कभी आपने ये सोचा है कि जो गरीब लोग होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके 4 बच्चे, 5 बच्चे, 7, 8 बच्चे भी देखने को मिल जाते हैं। वही अमीरों के घर में जो मिलीनियर्स हैं, बिलीनियर हैं, उनके घरों में 1 बच्चे, 2 बच्चे देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो बच्चे वो पैदा भी नहीं करते, सरोगेसी मदर से बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, या बहुत सारे बच्चे कहीं और से अडॉप्ट करके उनका लालन पालन करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज का उदाहरण है, एंजेलिना जोली जिन्हें हम जानते हैं, बहुत बड़ी हॉलीवुड एक्टर हैं, वो इतने सारे बच्चों को अडॉप्ट करके उनका लालन पालन कर रही हैं। क्यों क्यों ये एकदम कॉमन चीज़ देखने को मिली है इस जगत में हमें? तो आइए इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं, और इससे बहुत गहरी समझ हमको आएगी सेक्स के बारे में, संभोग के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस एज ग्रुप से गुजर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि जिसे हम बहुत बड़ी चीज़ लेके चलते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, वो बहुत ही मामूली सी चीज़ है। नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। दोस्तों, जीवन सबका संघर्ष भरा है, सभी संघर्ष कर रहे हैं, और सभी संघर्ष इसलिए कर रहे हैं ताकि जीवन में मज़े आ सके, हैप्पीनेस आ सके, खुशियाँ आ सके। पर वो खुशियाँ जब फ्री में मिलने लगे, उसके लिए मेहनत ही ना करनी पड़े, तो ज़्यादातर लोगों का दिमाग उसे ही करने में जाता है। अब हमारा टॉपिक ये है कि अमीर लोगों के बच्चे नहीं होते ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा संतानें पैदा नहीं करते, और गरीब लोगों की बहुत सारी संतानें होती, बहुत सारी औलादें पैदा करते, गरीबों में ही देखने को मिला है। देखो, एक्सेप्शंस और अपवाद तो हर जगह देखने को मिलेंगे, तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे समझिए कि जो अमीर इंसान होते हैं, उनके पास मज़े करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। वो वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, नई नई जगहों की सैर कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, वो नए लोगों से मिल रहे हैं, वो पार्टीज़ कर रहे हैं, वो आध्यात्म की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि ये सब करने के लिए उनके पास संसाधन है, उनके पास पैसा है। और यहीं पे अगर हम गरीबों को देखें, तो उनके पास ये सब करने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, तो वो मज़ा, वो सुख कहाँ खोजते हैं? अल्टीमेटली संभोग में। अपने साथ वो सुख कहीं और मिल नहीं रहा है, बहुत सारे सुखों को खोज नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शराब दारू जो सस्ते में मिल जाती है, या घटिया सस्ते वाले नशे, या तो फिर सेक्स। सेक्स के बाद संतानें होती हैं। अब सोचने वाली बात है, क्या अमीर आदमी लोग सेक्स नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल वो भी कर रहे हैं, पर वो संतानें नहीं पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे संतान पैदा करने का क्या, यहाँ पे सेक्स और संतान पैदा करने का कोई संबंध कैसे हो रहा है? भाई, सेक्स करने से संतान होगा ये ज़रूरी तो नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से सेक्स के बाद भी संतानें नहीं होती है, बच्चे नहीं होते, लेकिन गरीबों के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर को संभोग करके मज़ा आया, मतलब कि दोनों पार्टनर को संभोग करके मज़ा आया, लेकिन अब अगला सुख कहाँ से मिलेगा फीमेल को? संतान पैदा करके। मातृत्व का सुख भी अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। एक छोटे से बच्चे को पैदा करके उसे अपने साथ रखना, उसको पालना पोसना, बड़ा करना, ये भी सुख का एक केंद्र है। लेकिन यहीं पे जो पैसे वाली बहुत अमीर महिलाएं होती हैं, उनके पास सुख भोगने की बहुत सारी चीज़ें हैं। वो दूसरे बच्चों को भी अडॉप्ट करके, उनका पालन पालन करके भी सुख भोग रही हैं। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा के सुख पा रही हैं, वो चैरिटी करके सुख पा रही हैं, वो घूम फिर के सुख पा रही हैं, वो पार्टीज़ करके सुख पा रही हैं, वो अध्यात्म के रास्ते में जाकर सुख पा रही है। लेकिन गरीबों के जीवन में क्या है? वही खाना पीना, वही कमाना, वही संघर्ष करना, वो कुछ आगे सोचते ही नहीं, वो कुछ आगे बढ़ना चाहते ही नहीं। और सबसे ख़राब बात यह है कि एक गरीब परिवार 6 बच्चे पैदा करके कुछ बेहतरीन काम नहीं कर रहा है, वो कोई एहसान नहीं किया उन 6 बच्चों पे, वो 6 बच्चे उनसे भी ज़्यादा दरिद्र जीवन जीने के लिए अग्रसर हो गए हैं, अनटिल अनलेस जब तक वो बड़े होकर खुद अपने हाथ से कुछ कमाना नहीं शुरू कर देते। क्योंकि जो इंसान खुद गरीब है, दो लोग जो एक महिला और पुरुष जो ऑलरेडी गरीब हैं, उनके 6 बच्चे होंगे तो क्या वो अमीर हो जाएंगे? नहीं, उनको और गरीबी वाली ही ज़िंदगी मिलेगी। और अगर वो 6 के 6 बच्चे उन्हीं की तरह रहे, तो वो और गरीब बच्चों को जन्म देंगे।
मतलब कि दो गरीब लोग 6 गरीब जनों को जन्म दिए हैं और 6 गरीब लोग और आगे गरीब जनों को ही जन्म देंगे। लाखों में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो ऐसे स्थिति से गुजरते हुए एक बड़ा काम करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त करता है। जैसे कि जस्टिन बीबर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत गरीबी से निकल के वो बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें। तो हज़ारों में कोई एक है, लेकिन ज़्यादातर हम ज़्यादा संतानों के साथ और गरीबी को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो केवल अपने सुख के लिए, केवल अपने मज़े के लिए हम दरिद्रता को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेशक आपको ये लग रहा होगा ये कैसी बात है, ये किस तरह की टिप्पणी, किस तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन ज़रा भी आप समाज को लेकर संवेदनशील हैं तो इस पर हमें सोचना ही होगा। क्योंकि बेवजह की जनसंख्या जो हम बढ़ा रहे हैं, क्या वो जो बच्चा जो पैदा हुआ है ये उसके प्रति कोई जुल्म नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है कि हम उसे पैदा करके इस दुनिया में ला रहे हैं, उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें परवरिश नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें अच्छा पढ़ाई, अच्छा इलाज नहीं दे पा रहे हैं, सरकारी खर्चे के बतौर छोड़ दिया गया है। ये बहुत ही घटिया, बहुत ही तुच्छ है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी अपनी इसमें राय हो सकती है। तो मैं बस ये कहूँगा कि यहाँ हमें समझना होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपका ध्यान जीवन के बड़े उद्देश्यों की तरफ नहीं जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ध्यान सेक्स की तरफ जाएगा, तुच्छ नीचे की तरफ जाएगा। ये हमारे 7 चक्रों में भी, हमारे अध्यात्म में भी यही सिखाया गया है कि हृदय चक्र के ऊपर अगर आप ध्यान लेकर के नहीं जाएंगे तो वो अपने आप हृदय चक्र के नीचे ध्यान जाना शुरू हो जाएगा और आप तुच्छ और निचले स्तर के ही जीवन को जीने के लिए सज्ज होंगे, मजबूर होंगे। तो ये बात हमारे यंगस्टर्स, हमारे युवाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने मकसद की तरफ अग्रसर होइए, अन्यथा निचले स्तर के जीवन के लिए सज्ज हो जाइए। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते। हाँ जी।